रंग बिरंगे विभिन्न गुलाबों के फूलों की महक छोड़ता हुआ वार्षिक गुलाब मेला आज से शुरू हो गया। सेक्टर 16 स्थित जाकिर रोज गार्डन में शुरू हुए इस 3 दिवसीय गुलाब मेले का उद्घाटन चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस मौके पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर सहित नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार, नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा, प्रशासन तथा नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मेले में आज पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने यहां खिले हुए विभिन्न किस्मों के गुलाबों के फूलों को निहारा और खूब आनंद लिया। यहां आकर ये साल का मैं भूलना नहीं चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसके बाद कभी आऊंगी दोस्त की तरह शायद, लेकिन आज यहां पर इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रोज फेस्टिवल। बचपन से हम इस रोज फेस्टिवल को देखते आए हैं। यहाँ के रोजेस पूरी हमारे देश में, दुनिया में मशहूर है। सारे बहुत खुशी से रोज फेस्टिवल मनाते हैं एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इतनी खूबसूरती से डांस किया बच्चों ने एंड द कथक और परफॉर्मेंसेस वर वंडरफुल। Especially the last one, it was really beautiful, and I congratulate them. Itna talent hai hamare shahar mein ki usko badhawa dena bahut bahut zaruri hota hai. To mujhe bhi yahan bulane ke liye bahut dhanyawad aapka Anandita ji. Aapko khansi lagi hui hai shayad. Aapko mask pehenna chahiye tha. मुझे लगता है आपके पास बैठने में मुझे मास्क पहनना ही पड़ेगा बिजली बंद करने के बाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ मनमोहक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रकृति के इस मेगा उत्सव के दौरान सुंदर सजावट फूलों की व्यवस्था का भी प्रदर्शन, मनमोहक संगीत और रोज गार्डन में घूमना और प्रकृति के सुंदरता को देखना और आनंद लेना एवं गुलाबों के फूलों की विभिन्न किस्मों को देखना बहुत ही सुकूनदायक होता है। 3 दिन के फेस्टिवल में स्वच्छ संरक्षण 2024 के अंतर्गत खास तौर पर स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोगों के स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाएगा, जिसमें घर घर से कचरा अलग करने, किचन वेस्ट से घर 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 पर ही कंपोस्ट बनाने, प्लास्टिक का उपयोग ना करने एवं अन्य पहलुओं पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।